शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जॉनी भाई सब लोग इधर ही आ रहे हैं, हम लोग बचेंगे नहीं, पीछे से भाग चलते हैं। जॉनी नहीं भागेगा, मैं साला सामने से मारेगा। ए, आज जिंदा बचेगा तो कल मारेगा ना। मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। प्रेस्टीज हमारा भी है, मारा जाएगा। अपनी प्रेस्टीज बचाने दो, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो भाग लो मेरे साथ। चलो चलो चलो। अरे आ जाओ आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो अन्ना सही बोल रहा है जॉनी, हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, हम फिर से बना लेंगे ये सब कुछ। जॉनी समझते क्यों नहीं मेरी बात। हेलो हैंसन, ड्रॉप योर गन। भेजा उड़ा दूं तेरा। आजाद नगर के निवासियों की गवाही और पुलिस की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, जहां रामशरण शुक्ला और उनके बाकी साथियों को 7 साल की कैद का हुक्म सुनाती है, वहीं जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, सदानंद कुट्टी और करीम खान तूफानी को ताज़ीरात-ए- हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। और ये हुक्म भी देती है कि उनकी तमाम जायदाद को बेचकर जो पैसा मिले उसे गोविंद मार्केट बनाने में लगाया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गोविंद, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ करना बेटे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो गया है। हाँ गोविंद, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हम सब में इतनी ताकत और इतना विश्वास है। यस, तुम्हारे जैसे मर्द की सख्त जरूरत है सोसाइटी को, और खासकर मुझे। गुल्ली, हम अलग अलग कितने कमजोर थे, तुमने हमें एकता सिखा दी। मेरे पिताजी से सीखा था कि अगर फसल को बचाना है तो कीड़ों को मारना ही पड़ेगा। यही बात आज आप लोगों ने सीखी, और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। चलता हूँ, नमस्ते। कितना अच्छा आदमी है ना। अरे बस करो गुल्ली यार। ए रजनी देवा। अन्ना। ओ गोविंद पुत्र, तू यहाँ सामान का लगेज बांध के भाग रहा है, वहां तेरा सम्मान आया हुआ है यार। ओ जी, ये रहा सम्मान। हरीश, तुम चाचा जी ये सम्मान में समझा नहीं। ओ भाई, हरीश पुत्र जो है अपनी रत्ना से शादी करना चाहता है यार। जी, अगर आप इजाजत दें और रत्ना को मंजूर हो तो।
पूरी कर दे। मेरी भी एक ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करनी है। अरे बेटी तेरी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि गोविंद शादी के लिए हाँ कर दे। ओए नाना पाटेकर अपनी बेटी को समझा। बेटी समझा कर? हाँ या ना डैड, जब तक गोविंद शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना किसी से बात करूंगी। मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आऊंगी, समझे आप? अरे मैं देखता हूँ। कितिका, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। अगर वो सामने आ जाए तो क्या हाँ कहोगे? ए? बोलो गोविंद हाँ कहोगे? हाँ या ना? यही तो मेरी ख्वाहिश थी। प्रेजेंटिंग द कपल ऑफ द न्यू मिलेनियम, गोविंद एंड सुधा नारंग। मतलब तू गोविंद और सुधा को मतलब अपना कुछ सोचा ही? कमाल है यार। मानते हो ना डैड, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आपकी बेटी ला सकती है। भाई तू ऐसे ही कहानी में ट्विस्ट लाती रहेगी तो हम तो जिंदगी भर ट्विस्ट करते रहेंगे। तेरी कहानी में ट्विस्ट लाने वाला कोई है कि नहीं यार? वरी नॉट डैड, आपकी बेटी की कहानी में ट्विस्ट लाने वाला इस वक्त अपनी स्पोर्ट्स कार रोककर किसी दुकान से मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा। ओ जरूर खरीद रहा होगा पुत्र, जरूर खरीद रहा होगा, तू करोड़ों में एक है। ओए है कोई आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स कार से उतरकर फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा? कोई है कि नहीं?